वन संपदा को बचाने के उद्देश्य से वन विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है और वनों को आग से बचाने के लिए आगामी 2 माह तक वन विभाग के सभी कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल पाएगा। विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं और किसी भी कर्मचारी को डिवीजन को छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इस विभाग के DFO प्रीति भंडारी के अनुसार वनों को आग से बचाने के लिए पूरी तैयारी की गई है और पंचायतों से लेकर समाज सेवियों को भी विभाग के नंबर मुहैया करवाए गए हैं ताकि मौके पर तुरंत सूचना मिल सके। वन विभाग हमीरपुर DFO प्रीति भंडारी का कहना है कि फायर सीजन से निपटने के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारियां की हैं और फायर सीजन के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी कर्मचारी को अपना स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं है ताकि अप्रिय घटना से निपटने के लिए काम किया जा सके। आदेश दे दिए गए हैं कि किसी को भी बिना किसी बहुत ही जरूरी हो तभी छुट्टी जो है मिलेगी। सभी की छुट्टियां जो है वो निरस्त करी गई हैं। किसी को भी बिना परमिशन के हेडक्वार्टर जो है वो छोड़ने की मनाही है और साथ ही साथ डिवीजन लेवल पे भी हमने अपनी एक कमेटी जो है वो संगठित की हुई है कि जो पूरी तरह से पूरी डिवीजन की फायर इंसिडेंसेस को मॉनिटर कर रही है। उसी प्रकार से हमारी रेंज लेवल पे भी हमने कमेटियां जो है वो गठित की गई हैं। इसके साथ साथ हमने फायर डिपार्टमेंट से भी सहयोग की अपील की है। अपने जितने भी हमारे ग्राम पंचायतें हैं उनसे भी हमने अपील की है कि जब भी कहीं पे भी फायर इंसिडेंट्स हो तो वो बढ़ चढ़कर आके डिपार्टमेंट का जो है वो सहयोग करें। तो इस तरह से हमारी जो तैयारी जो है चली हुई है। सभी पंचायतों को हमारे जो स्टाफ के नंबर हैं और साथ साथ में ऑफिस के नंबर हैं, हमारे अपने मोबाइल नंबर है, वो सभी हमने सर्कुलेट किए गए हैं और इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना लॉन्च भी किया है जहां पे कोई भी अपना फायर का वो बता सकते हैं इंसिडेंट्स। और अपनी तरफ से हमने विभाग के सभी कर्मचारियों के नंबर जो है वो डिस्प्ले करके रखे हुए हैं।